आज एक्चुअली कोई बिजनेस प्लान नहीं है स्टार्टिंग में, तो लाइक जिस हिसाब से दिया गया था कि हम एक बिजनेस प्लान शो करने वाले हैं, तो प्लान तो सबके पास है, बस एक करेक्शन है जो शायद हम नोटिस किए कि जो हम लोग को बहुत जरूरत था, एंड उसी चीज को आज हम लोग यहाँ पर एक डेमो की तरह भी लेने वाले हैं, और साथ साथ में वो मतलब किस हिसाब से वर्क करता है उसका एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं। तो हुआ यू कि एक स्टोरी है कि हम एक फ्रेंड को अपनी कॉल किए और उससे हमको कुछ ऐसा रिएक्शन मिला। हेलो, हाँ जी आयशा जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मनीषा मासी, आई एक्चुअली नीड अ हेल्प। मेरी एक फ्रेंड को अनम्यूट करना है इसमें। हाँ जी बिल्कुल, बोलिए ना, नाम बता दीजिए। कशिश कशिश को करना था। सुनिए, को? कशिश कशिश जी, कशिश आप अपने आप को को। अनम्यूट कर सकते हैं, मैं कर दी हूँ यहाँ से। ठीक, थैंक यू। हेलो कशिश, क्या हेलो। कर हाँ रही है, ऐसा क्या कुछ कर रही है? अच्छा, नहीं यार, क्या करे, घर में बैठे बैठे। अब लॉकडाउन है, घर में बस बैठे हुए हैं। अरे यार, बैठे बैठे क्यों, कुछ कर ले फिर, पड़े रहती है ऐसे घर पे। क्या करे, अभी सब काम धंधा सब सब कुछ बंद है, अभी इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। ऐसे मत बोले यार, काम तो है। अच्छा करना है, देखो काम, अगर तू रियली इंटरेस्टेड है तो मेरे पास एक काम है तेरे लिए, अगर तेरे को बात करनी है तो। यार वो वेस्टेज के बारे में तो मत बोलना यार, सुबह से बहुत जन का फोन आ चुका वो वेस्टेज के बारे में। तो मेंबर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो, मतलब दिमाग खराब हो चुका है मेरा तो वो सुन सुन के। ऐसे मतलब इतना टाइम कर, इतना इतना कौन पैनिक कर दिया है देखो। बहुत सारे फ्रेंड्स का फोन आ चुका है, वेस्टेज का काम चालू की, ऑनलाइन है, बहुत अच्छा काम है, कर लो ये है वो है, लेकिन मेरे को मन ही नहीं है एकदम भी करने का। अब देख, इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वैसे अगर मेरे से तो बात कर सके, क्योंकि देख अब क्या होता है ना, वेस्टीज के लिए सब जने बात नहीं कर पाते अच्छे से, और जो करते हैं वो शायद कंफ्यूज रहते हैं। और जहां तक मेरे को पता है, ज्यादातर लोग तो एकदम आसानी से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ये ज्वाइन करते ही फर्स्ट मंथ से उनकी इनकम डबल हो जाती है, उनके घर की जो इनकम होती है वो डबल हो जाती है। एंड करे भी क्यों नहीं, ज्यादा क्या लगना है, सिर्फ 2,000 रुपए तो लगना है महीना का। लेकिन अब क्या होता है ना कि कुछ लोग नहीं भी ज्वाइन करते, देख हर कोई एक जैसा होता भी नहीं है, तो कुछ लोग नहीं भी ज्वाइन करते, क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो पहली बात, हमारे पास 2,000 रुपए इंस्टेंट नहीं होता पे करने के लिए, अभी लॉकडाउन का टाइम है, मेरे को भी पता है कि मेरे घर में भी नहीं है। अभी हम बोलेंगे घर पे खर्चा करना है तो कोई नहीं सुनने वाला है। और दूसरा कि लोग को ये लगता है कि यार इलीगल तो नहीं है ये बिजनेस करने में, तो हो जाता है ना, इन फिर नेटवर्किंग बिजनेस में क्यों ही आए, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर तेको सुनना है, अगर तू इंटरेस्टेड है, तो एक सेशन होने वाला है परसों, तो तू अगर चाहे तो हम लोग वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस को, तो तू चाहे तो देख तेरे पे डिसीजन है ना, लेकिन अगर तू अगर चाहे तो तू सेशन अटेंड कर सकती है। जो तो बोल रही, लाइक सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो कब है वैसे सेशन? सेशन एक्चुअली परसों है, पर मेरे को मेरे अपलाइन से बात करना पड़ेगा कि हम तेको लेके आ सकते क्यों नहीं लेके आ सकते, क्योंकि शायद टीम का है, तो एक बारी हम बात करते हैं, अगर मेरे रूम में जगह रहा तो हम तुमको पक्का एक बारी कॉल करके तुमको बताएंगे इसके बारे में। हाँ मेरे को एक बार जरूर से करना है, जो तू बोली मेरे को बहुत इंटरेस्ट हो रहा है अब करने में। है ना, तो फिर हम तेको कॉल हाँ करते हैं, तो तू रेडी रहना, ठीक है फिर? ओके होगा। ओके, अभी थोड़ी सी बिजी, हम बात करते हैं इसे। हाँ ठीक है। ओके, तो ये थी मेरी एक फ्रेंड जिसे बात हुआ था, एंड शायद ये रिएक्शन सबके साथ होता है। आज एक फोर स्टेप का ब्रह्मास्त्र के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में, जो 99% 99.9% लोगों को हमारे बिजनेस में नहीं पता है कि ये एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं करता है। अब ये सिचुएशन तो हम सब फेस कर रहे हैं कि यार वेस्टीज के बारे में सुना हुआ है, मेरे को मत बता प्लीज, मेरे को बिल्कुल सुनने का मन नहीं है। लेकिन अब उन लोगों को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये एक प्रूवन फॉर्मूला है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट का हम वीडियो में देखे थे, एंड
एंड आई ट्राइड इट, मेरी टीम अच्छी ग्रो हुई, और ये चीज जब हम अपने टीम मेंबर्स पे डुप्लीकेट किए तो वो लोग का टीम भी भगवान के तहे से बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है टीम, एंड बहुत छोटे स्पैन में भी जो लोग नहीं आना चाहते थे वो भी कन्वर्ट हुए। तो जानना पसंद करेंगे आप लोग इस प्लान को? बिल्कुल। तो एक है कि आप प्रेजेंटेशन जब देते हो तो लोग जो है ना वो पहले से प्लान कर चुके होते हैं कि इस प्लान को सुनना है कि नहीं सुनना है। तो आप अगर इस हिसाब से अपने सामने वाले को कन्वर्ट कर दो कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पर उससे पहले ही वो मान जाए कि नहीं मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में, तो वो क्यों नहीं, वो अच्छा होगा कि नहीं होगा कि मेरे को प्रेजेंटेशन दे। अब ऐसा होता है कि किसी किसी के सामने में हम लोग बोलते जा रहे हैं और उसको सुनने का ही मन नहीं है, और ये होता है हम लोग के साथ में कि हम वेस्टीज के बारे में उसको बता रहे हैं ये होता है वो होता है वो होता है, लेकिन उसको सुनने का कोई भी मन नहीं है। तो वो हमारा भी टाइम वेस्ट है और उनका भी टाइम वेस्ट है। तो एक ट्रिक है जिससे आपको स्टार्टिंग में भी पता चल जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं, और उसको इंटरेस्टेड कैसे बनाना है उसका भी ट्रिक है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कस्टमर, हम लोग एक कस्टमर है, हम लोग सबको पता होता है कि अगर हम कोई सामान लेने जा रहे हैं तो अगर जैसे हम जूता लेने जा रहे हैं तो हमको पता होता है कि हमको उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अब वहां पर सेल्समैन जो है वो पूरी कोशिश कर देता है कि आप ये खरीदो, इसका प्राइस अच्छा है, इसका डिजाइन अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा, आपके पैरों पे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पता है हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा होता है, ले लू खर्चा हो जाएगा, क्या फायदा लेकर, ये नहीं कुछ और भी देख लेंगे तो शायद वो अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आप अपने तरफ से सोचो कि जब आप कस्टमर होके ये सोच रहे हो तो जब आप किसी को प्लान बताओगे तो वो भी तो यही सोचेगा। तो अगर हम लोग को इस चीज को चेंज करना है तो इस ब्रह्मास्त्र को यूज करना होगा जो है एक 4-step प्लान, जो आप किसी से भी बात करो तो उसको यूज करना है। जो उसमें से है सबसे पहला प्लान कि हम जैसे बात किए तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि हम ये बोले थे सबसे पहले कि ज्यादातर लोग वेस्टीज कंपनी को बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं जब उन लोगों को ये पता चलता है कि इस कंपनी को ज्वाइन करते ही आपकी इनकम पहले ही मंथ से डबल हो जाएगी। अब ज्यादातर लोग और इनकम डबल हो जाएगी, इस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी हम लोग जब स्कूल में रहते थे, जब सारे स्टूडेंट रह चुके हैं हम लोग, या फिर हम लोग के फैमिली मेंबर्स स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कभी नोटिस करिएगा कि जब भी मैम पूछी कि इसका आंसर ये किसको किसको पता है, तो अगर ज्यादातर लोग हाथ उठाया और जिसको नहीं भी आता था वो भी हाथ उठा लेता था कि यार भीड़ में चलो कुछ नहीं होगा, यहाँ हम सेफ है, यहाँ पर सब लोग हैं तो यहाँ हम सेफ है, यहाँ हम बच जाएंगे। और कुछ ही लोग होते थे जो नीचे रखते थे हाथ को। तो क्या होता है कि लोगों को मोस्ट ऑफ द पीपल में आना बहुत अच्छा लगता है, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर कम लोग वहीं हाथ उठाए तो लोग हाथ नहीं उठाते कि शायद वो लोग गलत है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो नीचे हो रखे हैं। तो ज्यादा लोग का जब बात आता है तो वो खुश हो जाते हैं, वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो इस चीज को अगर हम लोग अपने बिजनेस में यूज करें तो वो लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे। और उसके बाद ऐसा कौन सा इंसान नहीं होगा जिसको अपना बेनिफिट देखने के बाद उसको उस जगह पर जाने का मन नहीं करेगा? मेरे को तो नहीं करेगा, मेरे को तो बिल्कुल करेगा। अगर मेरे को दिख रहा है बेनिफिट है भाई चल जाओ वहां पर। तो यही चीज है कि सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या याद रखना है कि उसको एक ही लाइन बोलनी है कि ज्यादातर लोग, आप लोग रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ ताकि आप लोग भूलो नहीं, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में बना हुआ है, मेरे को हिंदी टाइप करना नहीं आया, तो इसीलिए ज्यादातर लोग वेस्टीज कंपनी को एकदम आसानी से ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी एकदम से इनकम हो जाएगी, आपकी मंथली इनकम पहले महीने से इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसके बाद ट्रिक क्या है कि आपको पहले मेजोरिटी दिखानी है कि मेजोरिटी हमारे साथ है, और दूसरा आपको एक बेनिफिट दिखाना। अब यही बेनिफिट दिखाना जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ये आप किससे बात कर रहे हो। अब जैसे अगर अभी हम मेरी फ्रेंड से बात कर रहे थे और वो क्या बोली मेरे को कि काम धंधा नहीं चल रहा है, तो मेरे को सबसे पहला बेनिफिट क्या दिखा उसके लिए कि उसको पैसे की जरूरत है लॉकडाउन में। अब यही अगर आप किसी हाउसवाइफ से बात करो तो क्यों ना ज्वाइन करे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। अब हम लोग को घर पे क्या ही प्लेटफॉर्म मिल जाता है, घर पे खाना बनाओ इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। लोगों को तो ये दिखता है कि सिर्फ हम खाना बनाते हैं, तो हमारे लिए तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, और हम लोग को बाहर कोई नौकरी देगा नहीं।
अभी हम लोग बाहर निकलते हैं तो बिना डिग्री के 4,000 से 5,000 की नौकरी मिलने भी बहुत मुश्किल है। तो बेनिफिट दिखाना है आपके प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। आप स्टूडेंट को दिखाओ तो ये बोलो कि एक्सपीरियंस, और वो जुड़े भी क्यों ना, एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिलता है और वो भी बिना किसी रिस्क के। तो बेनिफिट अकॉर्डिंगली दिखाना है, लेकिन एक बेनिफिट जरूर दिखाना है। अब स्टेप टू क्या है कि प्राइस। अब कभी आप नोटिस करना कि आप सामने जाओगे ना किसी दुकान पर तो वो दुकानदार आपको प्राइस नहीं बताएगा, वो बोलेगा आप देखिए ना प्राइस तो हम लोग मिला लेंगे, बिल बनाएंगे तो हम लोग एकदम देख लेंगे प्राइस, अपना घर की बात है एकदम। तो वो कभी आपको प्राइस नहीं बताएगा किसी भी चीज का, और वो जब तक अपना पूरा बात नहीं बोलेगा तब तक वो प्राइस नहीं बताएगा। लेकिन कस्टमर के दिमाग में क्या रहता है, अपन ये जूता लेने गए यार प्राइस तो बता रहा नहीं, अभी हम उठा लेंगे ये जूता और फिर वो मेरे को प्राइस ज्यादा बोल देगा, मेरे पॉकेट में पैसे होंगे नहीं होंगे, तो उसे क्या होगा कि हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इस चक्कर में वो पूरे प्रेजेंटेशन में वो क्या सोच रहा होता है कि भाई प्राइस क्या है, तो मेरे को प्राइस बता पहले, तो प्राइस बता मेरे को पहले, तो वो बाकी चीजों पर ध्यान दे ही नहीं पाता है क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है प्राइस प्राइस। तो अब इस प्राइस वाले झंझट को हम लोग को हटा देना भाई, क्यों डिस्ट्रैक्शन रखें, जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो फ्रीली बात करेंगे ना। तो उनको आपको ये बोलना है कि ज्यादातर लोग तो हमसे इतनी जल्दी जुड़ जाते हैं, और जुड़े भी क्यों ना, क्योंकि उनकी मंथली इनकम तो बढ़ जानी है तुरंत, और ज्यादातर लोग इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि क्या ही लग रहा है, सिर्फ 2,000 महीने के तो लग रहे हैं, इतना तो कोई चटपटी खा के हम लोग होटल ही चले जाते हैं तो खर्चा करके आ जाते हैं। तो प्राइस पहले बता दिया आपने, अब उसके दिमाग में क्या रहेगा कि ठीक भाई साहब अब मैंने कहा 2,000 रुपया लगना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा मेरा, तो वी आर रेडी कि अब 2,000 है। अब उसके दिमाग से ये निकल गया कि हाँ प्राइस कितना है, ये मेरे पॉकेट में है, अफोर्डेबल है मेरे लिए, तो हमको बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो वो अब निसंकोच होके सुनेगा कि आप बोल क्या रहे हो, वरना वो सुनेगा भी नहीं, वो आपको लगेगा कि तो सुन रहे हैं लेकिन वो पूरे प्रेजेंटेशन सिर्फ पैसे ढूंढते रह जाएगा कि कितना लगना है मेरा। तो उसके बाद आता है हमारा स्टेप टू। अब स्टेप टू में क्या करना है कि अब कुछ लोग नहीं भी जुड़ते, क्या होता है ना कि अगर आप उनको ये दिखा दो कि लोग जुड़ते क्यों नहीं है, तो अब क्या होता है हर कोई तो जुड़ता नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल जुड़ रहे हैं पर कुछ लोग नहीं भी जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी पिच थोड़ी सी लो कर लेनी है, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी जुड़ते हैं। अब क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। अब कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे जुड़ेगा तो वो आपको स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस नहीं बता पाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो, या तो आप घाटा में जा सकते हो कि आपको पता ही नहीं है सामने वाले को पूछना क्या था, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हो उसका। और दूसरा क्या है कि आप उसके दिमाग में सामने से 2 questions डाल दो, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट questions हो वो questions आप डाल दो, और आप अपने बिजनेस के जो प्रेजेंटेशन होगी ना उसमें उन दोनों को आंसर कर देना। तो वो क्या होगा ना कि वो सोचेगा कि उसका ध्यान कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा कि हाँ ये 2 question तो मेरे दिमाग में है, तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे साथ तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्या बोले कि अब कुछ लोग नहीं भी ज्वाइन करते क्योंकि क्योंकि उसमें क्या हो जाता है ना कि बहुत सारे लोग अब बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्या लगता है क्या नहीं लगता है, तो सिर्फ 2,000 रुपए लगना, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगना है, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा, इतना ही रखना है। स्टेप टू प्राइस के लिए खत्म हो गया। हम एक्चुअली स्टेप थ्री पर थे कि कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं क्योंकि लोगों को बिजनेस समझ ही नहीं आता है, नेटवर्किंग बिजनेस पता है, हम ज्वाइन किए ना हमको 2 महीना लगा था समझने में, और हम मनीषा जी को रात को 12 बजे भी वॉइस नोट भेज रहे होते थे, मासी मेरे को बोल दी कि तू मेरे को जब भी पूछ सकती है ये बात, तेरे को जब मन हो तब तू पूछ लियो, तेरे को कोई भी क्वेश्चन आता है तो वॉइस नोट डाल दियो। एंड मेरे को याद है इतनी खुजली होती थी मेरे को, हम रात को 12 बजे उनको वॉइस नोट डालते थे, मासी ये क्या है, ऐसे क्या होगा, ये क्वेश्चन मेरे को आया, इसका क्या करना है। तो ज्यादातर लोग हम में से अभी भी हैं जिनको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है कुछ, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज है जो है, और जिससे चल रहा है काम तो चल रहा है, पर अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो हम फट से अटक जाएंगे कि अरे यार यहाँ क्या था, या तो कोई हम पूछे नहीं थे इसके बारे में। तो इस चीज के लिए कि आधे से ज्यादा लोगों को तो बिजनेस समझ ही नहीं आता है, और दूसरा बात क्या है कि 2,000 रुपए इमिडिएटली किसी के पास होते नहीं है, ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो हमारे प्रोस्पेक्ट हमसे पूछते हैं कि यार 2,000 रुपए महीने का खर्चा, अरे भगवान कौन देगा, कहाँ से करेंगे खर्चा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है खर्चा करने के लिए। और दूसरा मेरे को बिजनेस ही समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, मतलब खाली ये करना है, इसको जोड़ो उसको जोड़ो, इसको जोड़ने से हो जाएगा, इसको नहीं जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो
वो कंफ्यूजन रहता है, तो ये दो क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपने बिजनेस फॉर्म में, बिजनेस का जो प्रेजेंटेशन देंगे। तो आप जब ये दो क्वेश्चन उनको बोल दोगे ना, तो वो सामने वाला एक बार का क्या होगा कि वो एक सटीक जगह पे उसके दिमाग आ जाएगी कि नहीं हाँ ये दो क्वेश्चन है जो मेरे को पूछना है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, और बाकी तो बोलेगी बोलेगी, पर ये दो सॉल्व हो जाएगा तो हम फाइन हो जाएंगे बोल के। तो अब हम क्या किए, उसको प्रॉब्लम दिए, लेकिन वो प्रॉब्लम्स बताए जो हम सॉल्व कर सकते हैं, हम ये प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में। तो ये प्रॉब्लम हम उनको बता दिए, अब वो लोग रेडी है इस चीज के लिए। साथ में अब जब स्टेप फोर पर आते हैं, तो यहाँ अपने आपको एकदम लो कर लेना है कि हमको जरूरत नहीं है कि तुम मेरा प्रेजेंटेशन देखो ही। अब ये बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि तू सुन मेरी बात, सुन ऐसे ऐसे बिलिंग आ गई मेरा, तो अनामिका जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी आयशा जी कैरी ऑन। तो स्टेप फोर में क्या होता है कि यहाँ पर अब आपको पिच थोड़ी सी लो कर लेनी है, और यहाँ पर आपको पता है कि आप किसी को अप्रोच करोगे ना, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप उसको जितना पूछोगे ना वो उतना नखरा करेगा। आप जितना उसे बात करने जाओगे कि ओए सुन ओए सुन ओए सुन ओए सुन, तो वो ए रहने दे, ए मत कर मेरे से बात, ए मेरे को बात ही नहीं करनी, ए इतना प्रॉब्लम है करके वो झमेला कर देगा वहां पे। अब यहाँ पर आपको क्या बोलना है कि एक सेशन होने जा रहा है परसों या कल या कुछ दिनों के अंदर में, या फिर मैं तेरी से अभी बिजी हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ, आपको हम सारा स्टेप सुनाएंगे, समझाएंगे कि क्या है, अगर आपको सुनना है तो आप सुनो, उसके बाद डिसीजन आपका रहेगा। आपको ज्वाइन करना है तो आप कर लेना, नहीं करना है तो नहीं करना, बाकी करना है तो हम है ही है यहाँ पर, और कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, लेकिन उसको सेशन का डेट टाइम और लिंक तुरंत नहीं भेजना, क्योंकि उसको आपको ये दिखाना है कि आपको उतना ज्यादा कोई जरूरत नहीं है कि वो आए आपके पास। जब लोगों की अपनी जरूरत होती है ना तो वो खुद आ जाते हैं, और जब उसकी जरूरत नहीं होती है तो वो आप कितना ही अप्रोच कर लोगे उसको तो वो नहीं आएगा। तो उसको ये करना है कि उसके दिमाग में खुजली डाल देनी है और उसको छोड़ देना है कि भाई तेरे को आना है, तेरी डिसीजन है, तुझे आना है तू आ, तेरे को नहीं आना है तू मत आ, पर प्लान अगर तेरे को सुनना है तो हम तेरे को एक सेशन का लिंक भेज देंगे, तो आ जाना सुनने के लिए, अगर टाइम बना सको तो आ जाना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है तो वो आ सकती है। तो ये करना है, ये चार स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है, एक बार रिहर्स कर लेते हैं वापस से है कि ज्यादातर लोग हमसे इसलिए जुड़ जाते हैं कि क्योंकि उन्हें फायदा दिखता है, उन्हें ये चीज दिख रहा होता है कि पहले महीने से आपका बढ़ जाएगा सैलरी जो है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी जुड़ते, और जुड़े भी क्यों ना, क्योंकि भाई साहब 2000 रुपए लगने हैं खाली, सिर्फ 2000 रुपए लगेंगे और आप कंपनी में जुड़ जाओगे, और कुछ लोग हैं जो नहीं जुड़ते हैं, तो उनके पीछे इसलिए क्योंकि वो लोग इसलिए नहीं जुड़ते कि उन लोगों को समझ नहीं आता बिजनेस, और दूसरा क्या है कि लोगों के पास 2000 पॉकेट में होता नहीं है खर्चा करने के लिए। तो ये हुआ, और फिर चौथा पीच में क्या करना है कि एक सेशन होने वाला है, तू अटेंड कर सके तो कर लेना, नहीं कर सके तो देख लेना, बाकी तेरा डिसीजन है। तो इस तरीके से हम चार स्टेप में उनको एक अवेयरनेस और इंटरेस्ट उनके अंदर ला दिए। अब हम उसको टाइम नहीं बताए थे मेरी फ्रेंड को, और हम उसको नहीं बताने वाले, हम आज भी उसको नहीं बताएंगे, हम उसको कल भी नहीं बताएंगे, और वो सामने से मेरे को कॉल करेगी, क्योंकि हमको पता है ये चीज टेस्टेड और प्रूफ्ड है कि उसको एक खुचरनी तो है, उसके मन में कीड़ा है, तो वो सोचेगी और वो मेरे को कॉल करेगी एकदम जल्द से जल्द, और उसके बाद हम उसको टाइम बताएंगे। ओके कशिश को अनम्यूट करना है। हाँ कशिश जी को जी अनामिका जी कशिश को अनम्यूट कर दीजिए। अनामिका जी आर यू देयर? वन मिनट मैं कर रही हूँ। ओके ओके कशिश जी को यस एक मिनट मैम, मेरे ना कोई प्रॉब्लम आ गई, एक सेकंड मैम। कोई नहीं कोई नहीं।
मैम किसको करना है, कशिश को ना? हाँ जी कशिश जी, कशिश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैम कशिश जी अनम्यूट हो गई है, फिर म्यूट कर लिया। नहीं वो नहीं हुई है, नहीं हुई है। मैंने किया था वापस स्टार्ट। मैं कशिश जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी अब हो गई। ओके हेलो आयशा। हाँ बोलो। जिनको बता रहे थे तो हम थोड़ा सा बिजी हो, सब भेजे थे, देखो चेक कर तो नहीं भेजे क्या अभी तक? नहीं हम चेक किए थे, अभी तक नहीं आया है। अच्छा ठीक है, तो फिर तू एक काम करना, तू कल टाइम बना सकती है? मतलब लॉकडाउन ही चल रहा है, एक घंटा तो निकाल ही लेगी है ना, तो कल के प्लान में तू आ सकती है। तू 4 बजे के हिसाब से फ्री रहना, हम तेको लिंक भेज देंगे उसका, ठीक है ना? ओके होगा, हम आ जाएंगे। हाँ एकदम ओके। और अभी थोड़े से हम बिजी क्योंकि एक और कॉल आ रहा है, हम जैसे बात करते हैं थोड़ी देर में। हाँ ठीक है ओके। तो ये एक प्रूवन प्लान था एक्चुअली, ये डेमो इसलिए दिखाए कि आपको किस हिसाब से उसको बताना है प्लान, और इसके बाद जो बिजनेस प्लान वो बहुत इजी है क्योंकि सेशन में हमारे पास एक ही बिजनेस है और उसका एक ही प्लान है, पर हमें उस सेशन को ऐसे करना है कि इस सेशन के साथ में हम लोग वो लोग को एकदम कंफर्म कर दें कि हम लोग जो आपको 2 क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। अब इसके बाद का जो प्लान है वो हम फाइनली यूट्यूब से ही निकाले हैं, यूट्यूब का ही प्लान है ये हम लोग में से बहुत जने देखे भी होंगे इस प्लान को। तो इस प्लान में मेरे को एकदम सब कुछ सटीक दिखता है कि हाँ ये सारी चीजें उसमें हैं, पर हाँ ये यूज नहीं करना एक्चुअली, ये बस हम एक प्लान दिखाने के लिए आपको यहाँ पर रखे इस स्लाइड को कि ये प्लान था और इस प्लान को आप दिखा सकते हो आराम से, इसमें प्रॉपर सारी चीजें और इसी प्लान के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आप नॉर्मली उनको सारी चीजें आंसर कर पाओगे और उनको बिना नोटिस दिलाए कि आपके जो 2 क्वेश्चन है सिर्फ वही हम आंसर कर रहे हैं। तो आप मार्केट प्लान में क्या कर सकते हो कि एक बिजनेस प्लान है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉस नहीं है, टारगेट नहीं है, सेल्स नहीं है और फेस टाइम, मतलब कोई भी फ्री टाइम में आप ये कर सकते हो। अब इस चीज को आप यूथ को कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमको मासी एक चीज एक बार बोली थी कि यूथ के लिए हम लोग को चाहिए कि यूथ को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है इस चीज के लिए। तो हम नोटिस किए कि जब हम बात करते हैं ना तो हम लोग यूथ को कभी नोटिस करते ही नहीं है, और यूथ की मेन प्रॉब्लम को हम लोग नोटिस करते ही नहीं है कि हम लोगों को अभी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कोई पैसा देने वाला नहीं है घर पे। अगर हम घर पे बात भी करने जाते हैं तो मम्मी फटकार के मार के भेज देगी कि मेरे को नहीं करना है। तो हमको मम्मी को भी समझाना है और साथ में हमको खुद को भी समझाना है कि मेरे को ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। और तीसरा बात, हम लोग अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने जॉब पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग का जॉब सर्टेन है कि नहीं, और ऑनेस्टली हमसे पूछेंगे आप तो मेरे पढ़ाई से मेरा जॉब सर्टेन नहीं है क्योंकि हम अभी से काम कर रहे हैं। तो आई फील दिस कि मेरे साथ अगर हम काम नहीं करते हैं तो मेरा जॉब मेरा पढ़ाई को इनलाइट करेगा, मेरा पढ़ाई मेरा जॉब को इनलाइट नहीं करेगा। तो ये चीज समझाना होगा कि आप भले करो जॉब ठीक है, लेकिन उस जॉब के लिए हमें क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए, हमें डिग्री तो चाहिए ही चाहिए पर स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए जो हम लोग को कोई नहीं देने वाला है। वैकेंसी में जरूर आ जाएगा कि एक्सपीरियंस 5 इयर्स, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला है। तो अगर हम उन्हें ये बोलकर खींचे कि सेल्स टारगेट मुझे नहीं पता, लॉस हमको नहीं पता, कितना कैपिटल लगना है वो तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, करना क्या है, घर का सिर्फ साबुन सर्फ टूथपेस्ट और चाय खरीदनी है हमसे, जो मार्केट से हम सामान खरीदे वो सामान तुम हमसे खरीदोगे अब, लेकिन उसके बदले में हम तुमको क्या देंगे, हम तुमको एक्सपीरियंस देंगे फ्री ऑफ टाइम, यानी तुम पढ़ाई करो दिन भर और पढ़ाई करते करते काम करो। अब मेरे कुछ प्रोस्पेक्ट्स है जिनसे हम बात किए पबजी खेलते खेलते, यानी हम पबजी खेल रहे थे, मेरे फ्रेंड्स थे उसमें, और क्या कर रही है आजकल, तो कुछ नहीं यार आजकल एक्सपीरियंस गेन कर रहे, कैसे, नेटवर्किंग बिजनेस वेस्टीज है। और फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो खेल रही है। अब आप वर्क टाइम अगर बोलो तो स्टूडेंट के पास वर्क टाइम नहीं होता है, आपके पास फ्री टाइम, आप बोलोगे मेरे पास 1 मिनट का फ्री टाइम नहीं है,
क्योंकि मेरे को पबजी भी खेलना है, मेरे को थोड़ी देर सोना भी है, मेरे को पढ़ाई भी करनी है, मेरे को प्रोजेक्ट स्टडी करना है, मेरे को मम्मी पापा को भी हेल्प करना है, क्योंकि फिर मम्मी चिल्लाएगी तो घर पे कुछ नहीं होती है। तो इन सब के बीच में मेरे को टाइम निकालना है, तो उनको ये समझाना है कि तेरे को फ्री टाइम में एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को अपने फ्रेंड से बात करनी है। और ये चीज एकदम सही है कि जब आप यूथ खींचोगे ना, यूथ के साथ आपका टीम बहुत जल्दी बढ़ेगा इन कंपेरिजन टू हाउसवाइव्स एंड मेल्स इन सोसाइटी। क्या होता है कि आप बच्चों को खींचोगे ना, तो एक बच्चा दूसरा बच्चा को खींचेगा, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को, और इससे कौन खींचेंगे, इससे हमारे घर के जो हाउसवाइव्स है और फैमिली है वो खींचेंगे। कैसे? तेरे पे भरोसा नहीं है मेरे को, मम्मी सीधे बोलते तेरे पे भरोसा नहीं है मेरे को, तू मेरे को दिखा क्या चल रहा है, तू क्या कर रही है, तू कहां से खरीद रही है। मेरी मम्मा लिटरली ये करती है कि तू मेरे को दिखा क्या कर रही है, तो हम उनको दिखाते हैं, अब वो जुड़ जाती है। अब मेरे से ज्यादा वो मेहनत कर रही है बिजनेस में कि आशु एक बिजनेस मतलब लगी है एक काम में, तो ऐसे ऐसे काम होते हैं, तो तू भी करके देख, मजा आ रहा है, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, वो भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। और उनका क्या होता है ना, वो लोग चिट चैट करती है, उनका रोज का 1 घंटा का टाइम है कि वो 1 घंटा किसी न किसी फ्रेंड से बात करेंगी करेंगी या किसी भी रिलेटिव से बात करेंगी। तो एक तरीके से अगर हम यूथ को फोकस कर रहे हैं घर का, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे फैमिली जुड़ रही है, उसे हाउस वाइफ जुड़ रहे हैं, उसे लोग जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट हम लोग को करना है यूथ को, और उनको ये दिखाना है कि तेरे को हम फ्री में एक्सपीरियंस दे रहे हैं और स्किल्स दे रहे हैं। अब प्लान में क्या करना है कि हम लोग कहाँ लैक कर जाते हैं, कि ठीक है हम लोग जुड़ गए पर अब क्या करना है, ट्रेनिंग कर रही है, अब ट्रेनिंग में क्या कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग का जैसे ग्रुप है नेपाल वॉरियर्स का ग्रुप, उसमें आ जाते हैं कि इतना बजे मीटिंग है, इतना बजे मीटिंग है, इतना बजे मीटिंग है, लेना है। और इसमें से कुछ लोग जो है जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के भूले वाले होते हैं, जो उतावले होते हैं, वो तो ले लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद हाँ प्लान ही तो है, कौन लेगा, देखते हैं ना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और फिर वो लोग भूल जाते हैं खुद में। तो इस चीज के लिए हम लोग अपने टीम के साथ क्या कर सकते हैं कि हर वीक, अब जैसे मेरी टीम है, हम लोग हर वीक एक इंसान को, एटलीस्ट एक लोग को देते हैं अपॉर्चुनिटी कि तुम लेगा सेशन, और टीम डिवाइडेड है, शेड्यूल्ड है, उनमें से एक इंसान को लेना होता है। और किस पे लेना होता है कि हफ्ता भर में जो भी मीटिंग्स हुई है हमारी टीम में, उनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आपको समझना है और आपको एक सेशन लेना है। तो 25 यानी कि 3 महीने 4 महीने में आ जाता है हमारा टर्न। अब जब 3 महीने और 4 महीने में आता है, तो 4 महीने कंटेंट रेडी करने के लिए रहता है हम लोग के पास में। और ऐसे क्या होता है, अभी ज्यादा लोग है नहीं हम लोग, तो हम लोग को क्या होता है कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन में हम लोग का टीम का टर्न आ जाता है कि अब मेरा, फिर हफ्ते भर बाद मेरा टर्न है, फिर हफ्ते बाद मेरा टर्न है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें एकदम फिर रहते हैं कि अब मेरे को देना है, मेरे को 1 घंटा तो बोलना है कुछ ना कुछ, और हम मस्ती कर नहीं सकते क्योंकि सब लोग रहेंगे वहां पर, मेरे खुद के प्रोस्पेक्ट रहेंगे वहां पर, मेरे टीममेट्स रहेंगे। तो एक तरीके से क्या हो गया कि सेशन लाने के लिए एवरी वीक हमारे पास सेशन हो जाता है। दूसरा, सबका एक वोकल टेस्ट हो जाता है कि तुम कैसे दे रही हो, तुम्हारे टीम में अगर नहीं जुड़ रहे हैं लोग तो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ऐसे बिजनेस का आप दे सकते हो, आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर थोड़े कम जा रहे हो, आप ये ट्राई करो। तो अगर आप ऐसे ट्राई करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका लर्निंग हो गया। अब हम जब ये बोलते हैं लोगों को कि हम आपको लीडर बनाएंगे, हम आपको लीडर बना रहे हैं, हम आपको कंपनी से जुड़ा रहे हैं, तो हम आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आप सिर्फ फोन करो और लोगों से बात करो, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपने अंदर में कि आप हाँ आज 4 जने के सामने बात कर रहे हो, कल 50 लोगों के सामने बात कर सको। क्योंकि हम एक्चुअली एक इंसान, एक अंकल से मिले थे ट्रेन में, एंड वो मेरे को ट्रेन में वेस्टीज के बारे में बता रहे थे। तो उन अंकल का एक कॉन्फिडेंस लेवल था कि उनको पता था कि अगर हम अभी यहाँ पर इन लोगों को बताएंगे ना, तो ये लोग के दिमाग में खुजली हो जाएगी वेस्टीज की, और कोई ना कोई तो मेरे से जुड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो वो कॉन्फिडेंस सिर्फ ये लेकर, सेशन सुनकर नहीं आने वाला, ये सेशन लेकर ही आएगा ये वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डोमेस्टिक सेशन रखते हैं जिसमें मजाक मस्ती भी होती है और आराम से हम लोग का ग्रूमिंग भी हो जाता है। तो यही सब है कि ये चीज हम लोग को कैसे रखनी है और बिजनेस प्लान कैसे आगे बढ़ाना है। आयशा जी, एक मिनट, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ जी। मैम, ये कंप्लीट होने वाला है, 3 मिनट्स रह गए हैं। हाँ, तो इसीलिए हम अभी टाइम चेक करें कि मेरा सेशन यहीं तक के लिए था। आज हम यही बताने आए थे कि बिजनेस प्लान तो सबके पास एक ही है, बस इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल, तो ठीक है आयशा जी, अभी एक बार के लिए हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे, क्योंकि आपका जो भी है अब हम ना आगे
बात करेंगे फिर से, तो हम फिर से कनेक्ट करते हैं सभी को ही जी। तो प्लीज सभी वापस अब तुरंत पे ज्वाइन कीजिएगा या रीजॉइन करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ओके मैम, तो मैं करूँ? हाँ जी ओके।